दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के जिसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी सुनने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी कोमल। राजकुमारी कोमल को किसी एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है और वो हर रोज रात में उस गरीब लड़के से मिलने जाया करती थी। हर रात की तरह एक रात वो उनसे मिलने गई, लेकिन वो वापस महल नहीं लौटी। सुबह हुआ, राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दी। पूरे महल में अफरा तफरी मच गया। राजा ने अपने सेनाओं को आदेश दिया कि जाओ ढूंढो कहाँ गई, किसने उसे किडनैप किया, और खुद भी अपनी लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सुबह का निकला हुआ, दोपहर हो गया, घोड़े को प्यास लग गई थी, राजा को प्यास लग गई थी, तो वो लोग पानी ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुंचा। जैसे ही राजा तालाब के पास गया, तालाब से आवाज आता है, पापा मैं आपकी बेटी कोमल। राजा हैरान हो जाता है, वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे दिखाई नहीं देती। तभी अब तालाब से फिर आवाज आता है, पापा मैं आपकी बेटी कोमल, पानी से बोल रही हूं। राजा और परेशान हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि बेटी तुम पानी कैसे बन गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। तो उसकी बेटी राजा को बताती है सैया ने देखा।